बिग फैक्ट वीडियो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका क्यों आखिर 50 साल बाद इंसानों को एक बार फिर से चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है, और क्या इसके पीछे का रीजन चीन हो सकता है, और इंसानों को भेजने से पहले कौन सा स्पेसक्राफ्ट अमेरिका मून पर भेजने वाला है, क्या है उसका नाम, कब भेजा जाएगा वो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वाली वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। पचास साल बाद अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा एक बार फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रही है। इंसानों को चंद्रमा पर भेजने से पहले मंडे 5 सितंबर 2022 को नासा अपने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगी। ये स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। ये एक तरह की टेस्ट फ्लाइट है जिसमें कोई क्रू मेंबर नहीं होगा, इसमें इंसानों की जगह पुतले होंगे। नासा के ऑफिसर और पूर्व एस्ट्रोनॉट बिल नेल्सन के मुताबिक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट के जरिए रॉकेट की क्षमताओं को समझा जाएगा। इससे ये जाना जा सकेगा कि इंसानों के लिए ये उड़ान कितनी सुरक्षित होगी। इसकी लॉन्चिंग सोमवार को की जाएगी और वापसी अक्टूबर में होगी। ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में 42 डेज तक बना रहेगा और करीब 60,000 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। नेल्सन का कहना है कि इस मिशन के जरिए नासा कई तरह के प्रयोग भी करेगा, जैसे इंसानों को भेजने से पहले एजेंसी ये समझना चाहती है कि वहाँ पर रेडिएशन का स्तर कितना है, क्योंकि इसका स्तर अधिक होने पर अंतरिक्ष यात्रियों को कई सारी बीमारियों जैसे कि कैंसर का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन खतरों को समझने के लिए स्पेसक्राफ्ट को पहले भेजा जाएगा। इस मिशन के सफल रहने पर 2025 के अंत तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक अभी भी वास्तव में ये नहीं जानते कि चांद पर कितना पानी है। ये आसपास की चट्टानों और मिट्टियों से पानी निकालना कितना आसान होगा। अमेरिका अपने मिशन के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। नासा अपने मून मिशन के जरिए ये भी जानने की कोशिश करेगा कि चांद पर पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी किस रूप में वहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि ये एक बड़ी वजह हो इंसानों को वहाँ पर भेजने की, लेकिन इसके पीछे भी अमेरिका का एक बड़ा लक्ष्य छुपा हुआ है जिसको शायद अभी तक आप नहीं जानते। दरअसल पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी अंतरिक्ष मिशन की योजना को रफ्तार दी है। चीन पहले से ही चांद पर पहुंचने के लिए 3 रोबोटिक मिशन्स को लॉन्च कर चुका है। भारत और इजराइल भी 2019 में लैंडर्स को रवाना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अब साउथ कोरिया का ऑर्बिटर भी पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका इन मामलों में खुद को आगे रखकर यह कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वह चांद पर पहुंचकर नई खोजों की उपलब्धि हासिल करे, और इसी चीज के लिए वह बेताब है। अब इस दौड़ में अव्वल कौन आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।